गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू ऑल फिट एंड फाइन एंड हेल्दी। और सभी ने अपने समर वेकेशन का कवर कर लिया होगा, टाइम के अकॉर्डिंग अपने ग्रुप में सेंड कर दिया होगा और हॉलीडे को एंजॉय भी किए होंगे। और आज आपका जैसे हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज कौन सा कर रहे थे, एक्सरसाइज टू कर रहे थे, और किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, रोमन नोटेशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो सबको मैंने रोमन नोटेशन कहाँ से कहाँ तक बताया था, 1 से लेके 100 तक। सभी बच्चों ने लिख भी लिया होगा और आई होप सभी ने लर्न भी कर लिया होगा। जिस बच्चों को रोमन नंबर याद नहीं होगा उनको ये क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए अभी भी याद नहीं है जिन बच्चों को, तो पहले 1 से लेके 100 तक क्या करेंगे, रोमन नंबर को याद कर लेंगे, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना उनके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो हम पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया था। अब उसके आगे वाले क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आप देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, फिल द ब्लैंक्स विद करेक्ट नंबर इन रोमन नोटेशन। कह रहा है कि ये इसको फिल करना है करेक्ट नंबर रोमन नोटेशन के अकॉर्डिंग, क्या करना है, फिल करना। अब यहाँ देखिए ये एक्स एक्स कितना होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था एक्स एक्स का मतलब क्या होता है, 20। तो यहाँ पहले लिख देंगे डिजिट है, मान लीजिए कि ऐसे तो आप लोग ऐड ही नहीं कर सकते हैं, ऐड का साइन है ना, ऐड करना है, तो ऐसे तो रोमन नंबर को नहीं ऐड कर सकते, इसलिए उसको हमको क्या करना पड़ेगा, हिंदू अरेबिक नोटेशन में हमको क्या करना पड़ेगा, पहले राइट करना पड़ेगा, जब उसको ऐड कर देंगे तो उसको क्या हम रोमन नंबर में राइट कर देंगे। तो ये देखिए कितना है, एक्स एक एक्स का मतलब 10 होता है, डबल एक्स तो क्या 20, और डबल आई का मतलब बताए थे क्या 2, तो 20 भी बताइए 2 प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 22। तो अब रोमन में, अब ऐसा हमको भी किस में लिखना है, रोमन में ही लिखना है, तो 22 का रोमन कितना होता है, तो x x 20 और डबल आई क्या हो जाएगा 22, ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। सबसे पहले इसे ऐड कर लेंगे और फिर उसका आंसर जो आएगा उसको किस में लिखेंगे, रोमन नंबर में राइट कर देंगे। अब देखिए हम सवाल वाला टाइप कर लेते हैं, प्लस है यहाँ पे माइनस करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहाँ देखते हैं माइनस होगा, वैसे ही माइनस करेंगे, अब देखने के पहले कितना है एक्स एक्स डबल आई कितना आ रहा है 22, वेरी गुड, लिख देंगे 22। अब कितना है इसमें से लेस करना है 20, अब लिख देंगे 20, अब फिर माइनस कर देंगे कितना बचा, 2 में 0 गया 2, 2 में 2 गया 0, आया कितना आंसर 2, तो यहाँ कितना होगा 2, इसमें लिखेंगे रोमन नंबर में, तो रोमन नंबर में 2 यहाँ मिलना सबको आता ही है, डबल आई लिखेंगे हो गया 2। अब इसे लाइक डिवाइड कर देते हैं, अब ट्रिपल एक्स का मतलब बता दे कितना 30, वेरी गुड, 30 डिवाइडेड 30, 30 में 30 से डिवाइड करेंगे तो 30 बन जा 30, कितने टाइम्स चला जाएगा 1 टाइम्स ना, हमारा आंसर क्या है 1, 1 रोमन में क्या होता है आई, तो ऐसे सॉल्व करके आप लोग लिख सकते हैं। अब ये देखते हैं ये कितना है, वी ट्रिपल आई का मतलब 8, 8 लिख देंगे, ये मल्टीप्लाई है। अब वी आई आई का मतलब, वी का मतलब 5 और डबल आई का मतलब 2, 5 to 7, 8 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ रहा है 756, और अब रोमन में लिखेंगे 56, 56 का 50 का क्या होता है, तो एल, वेरी गुड, एल क्या होता है 50 और 6 का वी आई, ये हमारा क्या हो गया 56। तो इस तरह जितने भी क्वेश्चन होंगे क्या इसी तरह क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, अभी इसके आगे क्वेश्चन में बता रहा, देखिए ये अलग टाइप का क्वेश्चन लिख रहा है। अब यहाँ लिखा है कि एल एक्स आई वी माइनस डैश इज इक्वल टू एल एक्स, अब यहाँ पे हम इसमें से कितना माइनस करें तो हमारा इतना आ गया, कितना एल एक्स का मतलब क्या होता है 60 होता है, और ये कितना दिया है 64, तो ये बताइए 64 में कितना माइनस कर देगी 60 है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या लिख रहा है 60 है ना, 64 में से इसको क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, अब जितना आंसर आएगा कितना आएगा 4 में 0 गया 4, 6 में 6 0, तो अगर 64 में से 4 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। 4 का रोमन नंबर में क्या लिखते हैं आई वी, सिंपल सा, जब भी ऐसा क्वेश्चन है जैसे यहाँ पे लिखा है 64 माइनस डैश इक्वल टू 60, कह रहा है कि इस 64 में कितना माइनस कर देंगे 60 आ जाएगा, तो सिंपल से ये 64 लिखिए यहाँ पे और इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, जितना आंसर आएगा उसी को हम क्या कर देंगे यहाँ पे फिल कर देंगे, देखिए माइनस में कितना है 4 ना, 4 फिल कर देंगे। अब इसको देखते हैं ये कितना है एक्स एल एल ट्रिपल एक्स और वी ट्रिपल आई, इसका मतलब कितना होगा 78,
88 हो गया, और यहां पर मेरा आंसर कितना आया 99। अब 88 में कितना प्लस करते कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा 99। तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो देखिए पहले लिखना आप लोगों को पड़ेगा, पहले इसको लिखिए 99, और 99 में से 88 को क्या कर दीजिए माइनस, 99 में से 80 को माइनस कर दीजिए, 9 में से कट गया 1, 9 में से कट गया 11। तो यहां पे क्या फिल कर देंगे 11, 11 कॉमन नंबर क्या होता है तो x i। अब ये 88 में 11 ऐड करेंगे तो 99 आ जाएगा, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, जब प्लस पूछा रहा है तो इधर वाले में से इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो वो नंबर पता चल जाएगा कि कितना नंबर इसमें ऐड करना है कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा 99। तो ऐसे सॉल्व कर देंगे, और एक ये देखिए अब यहाँ पे है c डिवाइडेड डैश इक्वल टू l, मतलब इसमें किस नंबर से डिवाइड कर दे कि आंसर हमारा कितना आ जाए, l का मतलब क्या था 50, और c का मतलब बताए थे 100 में किससे डिवाइड कर दे कि आंसर हमारा कितना आ जाए 50 आ जाए। तो सिंपल इसमें क्या कहते हैं कि 100 में 50 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने आता है कितनी बार जाएगा 2 बार नहीं, टू मतलब टू से डिवाइड करेंगे 100 में तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर क्या बनाएंगे 7, 8 और 9, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले भी मैंने आप लोगों को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पहले भी बताया था कि असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट, जब हम किसी नंबर को छोटे से बड़े क्रम में लिखते हैं तो उसको कौन सा ऑर्डर बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, पहले भी आप लोगों ने सब समझाया। तो अब नंबर को आप लोग करते थे ना, अब ये रोमन नंबर दिया है, रोमन नंबर को क्या करना है आप लोगों को असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े क्रम में अरेंज करना है, कैसे करेंगे तो सबसे ईजी तरीका ये है, सबका लिख लीजिए डिजिट में कितना ये होता है। अभी देखिए एक्स और सी का मतलब इसीलिए कह रहे हैं कि सबसे पहले आप लोग अभी भी जिसको रोमन नंबर याद नहीं हुआ वो 1 से 100 तक यह लर्न करेगा, उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये सॉल्व करना। अब x और v का मतलब होता है 15, x और l का मतलब होता है 40, और x का मतलब क्या होता है 10, और v का मतलब क्या होता है 5, और c का मतलब क्या होता है 100। कितना है ना, इसी को अरेंज करना। अब देखिए डिजिट में अगर लिख के रहे हैं नंबर्स में, नंबर से लिख देना तो पहचानना क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा ना। अब सबसे छोटा कौन सा है 5, वेरी गुड, अब लिख देंगे। उसके बाद 10 लिख देंगे, एक्स उसके बाद 10 के बाद देखिए 15 इसको लिख देंगे। अब इसके बाद पहचानिए 15 के बाद आपका क्या आएगा, अब 40 है, 90 है और 100 है, क्या होगा 40, वेरी गुड 40 लिख दीजिए। उसके बाद क्या आएगा 9, तो अब 9, और लास्ट में हमारा क्या सबसे बड़ा क्या है 100। देखिए इस तरह लिखना आप लोगों को इजी हो गया ना, इसी तरह करेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर आराम से आपको क्या रोमन नंबर का भी असेंडिंग ऑर्डर इजी से कर लेंगे। तो इसी तरह पहले कर लीजिएगा और फिर अरेंज कर दीजिएगा, छोटी से देखिए छोटी से बड़े क्रम में अरेंज कर दिया। अब उसी को देखिए अब अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अब जो इन रोमन नोटेशन दिए हैं इसको हमको अरेंज करना है किस ऑर्डर में, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग का इसका अपोजिट होता है, जब हम किसी नंबर को बड़े से छोटे क्रम में लिखते हैं तो उसको कौन सा ऑर्डर बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में ना। तो इसको भी पहले इसी तरह कर लेते हैं। अब ये है आई एक्स का मतलब 9 और एक्स और आई एक्स का मतलब 19 और इसका मतलब क्या हो जाएगा 43, इसका मतलब 92 और ये लास्ट हमारा है 82। अभी देखिए इसको लिख देना कितना इजी हो गया, फाइंड कर लेंगे जल्दी से, तो फाइंड कर सबसे बड़ा देखिए कौन सा है 92 का क्या है लिख दीजिए x c। अब देखिए इसके बाद उससे कौन सा है, ये है, वेरी गुड, इसको रख लेते हैं, हो गया। फिर इसके बाद एक के बाद देखिए आपका, हाँ वेरी गुड 43। अब उसके बाद 90
लास्ट में पूछा नाइन, तो इसी तरह आप लोग क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे और बाद में इसको क्या कर दीजिएगा, इरेज कर दीजिएगा, इसको बाद में आप लिखने के बाद क्या करेंगे, इरेज कर दीजिए, हो गया आपका। अब आते हैं नाइन, इसी तरह जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं, विच न्यूमरल्स इज करेक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। अब ये दो पेयर्स दिए हैं रोमन नोटेशन के, इसमें हमको बताना है कि कौन सा रोमन नोटेशन सही है, उसी को हमको लिखना है। तो ये बताइए, कभी कभी आप लोग कभी अभी 1 से 100 तक लिखे हैं, उसमें डबल एल का मिलाया है, इसका कोई मीन्स ही नहीं होता है। एक्स का मतलब होता है ना, क्या होता है 20, ये क्या हमारा टाइम है, ये हमारा आंसर होता है। इसी तरह देखिए ट्रिपल एक्स को आप जानते ही हैं, और ट्रिपल वी कहीं आप लोग देखे हैं नहीं ना, ये क्या है, रॉन्ग है, ट्रिपल वी का मतलब रोमन में कुछ होता ही नहीं है, और ट्रिपल एक्स का मतलब 30 होता है ना, ये हमारा क्या है राइट। तो जो सही है बस उसी को हमको क्या लिखना है, लिखना है। उसी तरह देख लीजिए, कभी भी एल के पहले वी नहीं आता है, एल के पहले क्या आएगा, एक्स आता है, या एल के बाद ही वी आता है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, और एल वी का मतलब क्या होता है 55, तो ये हमारा क्या है राइट। तो इसी तरह जितनी भी आप इस जो इसके अलावा जो क्वेश्चन बच गए हैं वो सभी बच्चे अपने क्या करेंगे, सभी बच्चे अपनी नोटबुक में सॉल्व करके अपने टाइम के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ग्रुप में भेज देंगे। अभी हम इसको हमको बुक में दिखा रहे हैं कि कौन कौन सा आपको क्वेश्चन करना है। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है ना, तो जो बताया वो भी कर लेंगे, बाकी सारा क्वेश्चन आप लोग यहाँ से यहाँ तक इसको कर लेंगे। पेज नंबर देख लीजिए 6 पे, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, पहला मैंने बता दिया, पहला कर लेंगे, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग बी और सी भी कर लेंगे, और फिर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़े से छोटे क्रम में इसको, पहला मैंने बता दिया आपको ब्लैक बोर्ड पे, जैसे उसी तरह ये बी और सी भी कर लेंगे। और लास्ट में हमारा बचा क्वेश्चन नंबर 9, विच न्यूमरल्स इज करेक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। तो मैंने ए बता दिया आपको, फिर आपको सी बताया है और ई, इस पहले इसको कर लेंगे, फिर जो बचा हुआ उसी तरह आप लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। सबसे पहले रोमन नंबर का दिया था, ऐड करना, रोमन नंबर को रोमन नंबर से कैसे ऐड करके लिखते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, और कैसे डिवाइड करके लिखते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, असेंडिंग ऑर्डर, फिर उसके बाद हमने क्या असेंडिंग मतलब बताया था, जब हम कोई नंबर या नंबर में दिया हो या रोमन में दिया हो, जब उसके छोटे से बड़े क्रम में लिखते हैं तो उसको कौन सा ऑर्डर बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। फिर उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ा, तो डिसेंडिंग ऑर्डर भी आप लोगों को पता है, पहले भी बताया जा चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग वो भी कर लीजिएगा। और लास्ट में हम लोग पढ़े थे कि दो पेयर दिए थे रोमन नोटेशन के, क्या दिए थे, दो पेयर दिए थे जिसमें एक सही था और एक रॉन्ग था, तो हमको सही वाला चूज करके क्या करना था, आंसर उसका लिखना था। तो जैसे मैंने आप लोग ब्लैक बोर्ड पर समझाया, और फिर एक बार कर रहा हूँ कि सब लोग 1 से लेकर 100 तक क्या कर लेंगे, रोमन नंबर पहले लर्न कर लेंगे, उसके बाद ऐसा जितना भी क्वेश्चन आपको आएगा वो आप इजीली से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।